हेलो दोस्तों, आज है सितंबर की पहली तारीख। आजकल हो रही है बरसात, और बरसात में हमें घास के बीच मिले हैं मोरेल मशरूम। इन्हें गुच्छी मशरूम भी कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश में ये फरवरी मार्च अप्रैल में भी उगते हैं, और उसके बाद बरसात अगस्त और सितंबर को जब होती है, बरसात के दौरान भी ये मशरूम घास के बीच या जंगलों में उगते हैं। ये एक प्रकार की फंगस है जो मार्च वाले मशरूम होते हैं, वो इतने बड़े नहीं होते, वो होते हैं छोटे छोटे और डार्क कलर के होते हैं। जबकि जो बरसात में उगने वाले ये मोरेल मशरूम है, ये काफ़ी बड़े होते हैं और लाइट कलर के ये होते हैं। बरसात में उगने वाले मशरूम थोड़े सस्ते भी होते हैं। सूख कर ये मशरूम जो बरसात वाले होते हैं 35-40 हज़ार रुपये किलो आजकल इसका रेट है, जबकि जो दूसरे मार्च अप्रैल में उगने वाले मशरूम है वो 50-50 हज़ार तक प्रति किलो उनका रेट रहता है। इन मशरूमों को सुखाया जाता है और सुखा कर ही इन्हें बेचा जाता है। हरे मशरूम खराब हो जाते हैं, अभी इसमें यहाँ मिट्टी भी लगी है। तो ज़्यादातर ये मशरूम वहाँ होते हैं जहाँ सूखी लकड़ी या जहाँ पर फंगस पैदा होती है। दोस्तों, इसकी सब्जी भी बनती है। इसके बारे में कहावत है कि इस सब्जी को खाने के लिए आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको पाने के लिए आपको किडनी भी बेचनी पड़ सकती है, लेकिन ये वो सब्जी है जिसे खाने के लिए लोन भी लेना पड़ सकता है। तो ये कुछ इस तरह का व्यू मोरेल मशरूम का। हिमाचल प्रदेश में कई कई जगहों पर तो बहुत भारी मात्रा में मोरेल मशरूम उगते हैं, और हिमाचल प्रदेश के किसान और लोगों की आर्थिकी में इसका भी योगदान है। अगर किसी ने सुखा कर 1 किलो इस तरह के मशरूम तैयार किए होंगे तो उसे लगभग 35-40 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती है। इस तरह के मशरूम हालांकि चीन में लैब में भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो क्वालिटी प्राकृतिक तौर से उगे हुए मशरूम में होती है, वो जो आर्टिफिशियल मशरूम है उसमें नहीं होती। तो इसलिए इसमें जो पोषक तत्व है वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, जब आप हिमाचल आएँ या कभी बरसात में सब्जी खाने का मन करे, वैसे तो ये सारी साल ही इसकी सब्जियाँ खा सकते हैं। इसको सुखाकर एक माला बना दी जाती है जिसमें ये गूंथे जाते हैं, और सूखी जगह पर उसको रखा जाता है। जब सब्जी बनानी हो उस माला को निकाल कर इसे पानी में साफ करके भिगो कर तड़का लगाया जाता है, और इसकी सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो एक बार आप इसकी सब्जी ज़रूर ही खाए दोस्तों, आपको मोरेल मशरूम की सब्ज़ी खाने में मज़ा आ जाएगा।